فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. حضرت عمر हमेशा हजरत अबू बकर से ना कोशिश करते थे आगे निकल जाऊं आगे निकल जाऊं आगे निकल जाऊं, सारी जिंदगी मौका ना बन सका। तबूक का मौका आया तो अल्लाह के नबी ने कहा माल खर्च करो, तो उमर कहने लगे आज मैं अबू बकर को काट सकता हूं, आज मैं उससे आगे निकल सकता हूं कि वो आजकल गरीब है मैं मालदार हूं, तो वो थोड़ा लाएगा मैं ज्यादा लाऊंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने अपने माल का आधा हिस्सा आधा घर में रखा और आधा लेकर आए। अबू बकर ने झाड़ू फेर दिया, जो कुछ था वो सारा समेट के ले आए। जब दोनों प्रॉपर्टी सामने रखी गई तो हज़रत उमर की बहुत ज्यादा नजर आ रही, अबू बकर की बहुत थोड़ी नजर आ रही, लिहाजा हज़रत उमर बड़े इत्मीनान में खड़े के आज जीत खत्ताब के बेटे की है। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह रसूल तो जानते हैं कि कौन क्या करके आया है, तो मेरे नबी ने सवाल ही बदल दिया, जो उस मौके का सवाल ही नहीं। मेरे नबी ने पूछना ये था अबू बकर कितना लाए हो, उमर कितना लाए हो, और यही इस मौके का सवाल है। लेकिन अल्लाह रसूल जानते हैं कि किसके माल में वजन ज्यादा है, तो मेरे नबी ने सवाल बदल दिया, फरमाया उमर मा खल्लफ्ता। वाह वाह, उमर पीछे क्या छोड़ के आए हो? तो उमर तो वहीं धड़म हो गया, कहा वाह मैं गया, सवाल से ही वो पता चलेगा बात मेरी किल्ली उड़ गई, गई विकट। उमर मा खल्लफ्ता या मा तरकता ले अहलिक, ये दोनों अल्फाज हैं, पीछे घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो पहले हज़रत उमर बड़े जोश में खड़े थे, फिर एकदम ढीले हो गए, कहने बाजी आधा छोड़ा है आधा लाया। फिर आपने कहा अबा बकर मा खल्लफ्ता या मा तरकता ले अहलिक, अबू बकर